आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को प्रवर्तन निदेशालय ने बुधवार शाम गिरफ्तार किया। ईडी टीम सुबह तड़के संजय के घर पहुंच गई थी। दिल्ली शराब घोटाले मामले में करीब 11 घंटे की पूछताछ के बाद ये गिरफ्तार हुई। इस दौरान संजय सिंह के घर के बाहर उनके समर्थकों की भारी भीड़ जमा थी। कुछ लोग भावुक नजर आए और संजय सिंह को लेकर लौट रही ईडी की गाड़ी के सामने लेट गए। कुछ कार्यकर्ताओं ने लाठीचार्ज का आरोप भी लगाया। संजय सिंह के पिता और पत्नी ने कहा कि सत्य की जीत होगी। आज अचानक ईडी मेरे घर पे पहुंच गया। दिन भर छापेमारी की, सारी जांच की, सब कुछ खोल डाला, कुछ नहीं निकला। बावजूद इसके जबरन मेरी गिरफ्तारी की जा रही है, लेकिन हम लोग आम आदमी पार्टी के सिपाही हैं। मोदी जी से कहना चाहते हैं, मोदी जी आप चुनाव हार रहे हैं, बुरी तरीके से हार रहे हैं, और ये आपकी हताशा का संकेत है, ये आपकी हार का संकेत है। तो उनका प्रोसेस लमसम तैयार था, वो बोल रहे थे 2 घंटे का है, 3 घंटे का, करते करते 5:30 बजे उनके ऊपर लग रहा प्रेशर पड़ा है और ऊपर से आदेश आया होगा कि इनको गिरफ्तार करना है। 5:30 तक कुछ भी नहीं था, सब नॉर्मल चल रहा था। साढ़े पाँच बजे के बाद प्रेशर हुआ कि उनको ईडी गिरफ्तार करेगी और जेल में लेके जाएगी। अच्छा। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं उस वीर बहादुर पति की पत्नी हूँ कि मैं लड़ सकती हूँ और मेरे पति भी लड़ सकते हैं। और रही बात, हम लोग को कोई डर नहीं है। आप भी अंदर थे 12 घंटे, क्या पूछ रहे थे, क्या कह रहे थे? वो हमसे क्यों पूछेंगे, संजय जी से ही पूछ रहे थे। हाँ, जो कुछ पूछ, हमसे क्यों पूछेंगे? आप लोगों ने सहयोग किया जांच में? हाँ, पूरा सहयोग। मैंने कहा था निपटा लीजिए, पूरा कुछ मिल गया। आप पिता हैं संजय सिंह के? हाँ जी। उनको अरेस्ट किया ईडी ने? हाँ। क्या भावनाएं हैं आपकी? हमारी कोई भावना ऐसी गड़बड़ नहीं है। मैं जानता हूँ सर जीतेगा, आज नहीं कल जीतेगा, और इसका पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। आप लोग घबराइएगा नहीं। इस शराब घोटाले के ऊपर इन्होंने 1000 से ज्यादा रेड मार चुके हैं। पता नहीं कितने लोगों को गिरफ्तार कर चुके हैं। कहते हैं 100 करोड़ रुपए का शराब घोटाला है, लेकिन इनको इतनी रेड मारने के बाद भी चवन्नी भी नहीं मिली। अब चुनाव आ रहे हैं और जब से इंडिया अलायंस बना है, इंडिया अलायंस बनने की वजह से वो बुरी तरह से बौखलाए हुए हैं प्रधानमंत्री जी, क्योंकि उनको लग रहा है कि अगर ये अलायंस सक्सेसफुल हो गया, जो कि होगा, तो फिर मोदी जी हार रहे हैं, बुरी तरह से हार रहे हैं। और उस बौखलाहट का भी एक नतीजा है कि आज उनको गिरफ्तार किया गया। वहीं तेजस्वी यादव ने भी इस कार्रवाई पर विरोध जताया है। आम आदमी के एमपी जो हैं पार्टी के, संजय सिंह जी, सुनने में आ रहा है कि उनको गिरफ्तार जो है कर लिया गया है, तो हम यही बताना चाह रहे हैं कि जो रीजनल पार्टी है, जो क्षेत्रीय दल है, जहां भी अच्छा काम कर रही है, वहां भाजपा के लोग तंग कर रहे हैं और कार्रवाई की जा रही है। वहीं बीजेपी ने ईडी की इस कार्रवाई को सही बताया है। ये देश की जनता और दिल्ली की जनता जान चुकी है कि कोई सरगना है, किंगपिन है, तो वो अरविंद केजरीवाल है। उन्हीं के इशारे पे ये शराब घोटाला दिल्ली में हुआ है। मुख्यमंत्री आवास ना हो गया, घोटाले का अड्डा हो गया, वहां वसूली हो रही है, कमीशन तय हो रही है। आम आदमी लाल बत्ती तोड़ दे तो कार्रवाई हो जाती है। अब ये पापी इतने खास हो गए कि ये करोड़ों का शराब घोटाला करेंगे और उसके बाद कहेंगे कि हम पे कार्रवाई जो हो रही है ये राजनीतिक द्वेष के कारण हो रही है।